तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं आलू और पालक से बनी बहुत ही टेस्टी, मुंह में पानी ला देने वाली सब्जी की रेसिपी, जिसके साथ आप दो रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 2 चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 मैंने यहाँ पर लिया है मेथी दाना, साथ में डाल देंगे हींग, अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 5 से 6 कलियाँ लहसुन की बारीक कटी हुई, 1 टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अच्छे से फ्राई होने देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। और लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद में अब इसमें जाएगा 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी हम प्याज को बहुत नहीं फ्राई करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके साथ में हम कुछ और भी फ्राई करेंगे। तो हम प्याज को पहले हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि इसमें हल्का सा कलर आ जाए। और यहाँ प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, प्याज हल्का गुलाबी सा हो गया, ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। तो इस टाइम पे हम इतना ही फ्राई करेंगे। अब इसके साथ में ऐड कर देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के आलू, इस तरह से क्यूब में कटे हुए डाल देंगे। तो आलू को हम बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं कट करेंगे, इस तरह से मीडियम साइज़ कट करेंगे, इतना बिल्कुल परफेक्ट है। अब आलू को हम प्याज के साथ में 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि आलू भी हल्के से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे प्याज के साथ मैंने आलू को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें जाएंगे कुछ फ्लेवर्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 हल्दी पाउडर, 1/4 मैंने यहाँ पे लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लिया है। सभी मसालों को हम प्याज के साथ में थोड़ा सा मिला देंगे। आलू को मसालों के साथ में अच्छे से मिलाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और ढक के केवल 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो कवर कर देते हैं और सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटा देंगे, अच्छे से मिला देते हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने सिंपल आलू पालक तो कई बार खाए होंगे, लेकिन एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें जाएंगे बाकी के फ्लेवर। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा रेसिपी में। आप नहीं डालना चाहते मत डालिएगा। साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, अच्छे से मिला देंगे। सारे मसालों को आलू के साथ में मैंने अच्छे से भून लिया है, ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। तो आलू को मसालों के साथ में भूनने के बाद में अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, डाल देंगे आलू के ऊपर, अच्छे से मिला देंगे। और हल्का सा मिलाने के बाद में अब हम इसको फिर से ढक देंगे और ढक के पकाएंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी हल्के नरम से हो जाएं और सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाएं। तो 1 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए क्या मज़े की हमारी रेसिपी लग रही है। अभी से ही, अभी रेसिपी कम्प्लीट नहीं है, फिर भी कितनी टेस्टी लग रही है, अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे अभी जो आलू हैं ये आधे कच्चे हैं, पूरे पके नहीं हैं, हमें पकाना भी नहीं अभी। अच्छे से मिलाने के बाद में इसके ऊपर डाल देंगे फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी, हल्का सा मिला देते हैं। तो यहाँ पे आलू पालक के लिए जो आलू का मसाला है ये बनके तैयार हो गया है। अब गैस को मीडियम कर देंगे। यहाँ मैंने लिया है 1/2 किलो यानी 500 ग्राम पालक, इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया, फिर बारीक बारीक कट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, सारी पालक को मसाले के ऊपर अच्छे से फैला देंगे इस तरह से। इस टाइम पे हम पालक को चलाएंगे नहीं, केवल फैला देंगे इस तरह से। जब सारी पालक को हम अच्छे से फैला देंगे, फिर हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको ढक देंगे और ढक के 1 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो पालक है थोड़ी नरम सी हो जाए, फिर चलाने में काफ़ी आसानी होती है। और यहाँ 1 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो पालक है हल्की नरम सी हो गई है। अब मसालों मिलाएंगे तो मिलाने बहुत ही आसानी होगी, आराम से ही मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू पालक को मसालों के साथ में अच्छे से मिला दिया है, ये देखिए कितने यमी दिख रहे हैं। अब इसको फिर से ढक के पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में हमारे गजब के आलू पालक बनके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ आलू पालक को पकते हुए मैक्सिमम 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मैंने 2-3 बार चला दिया था, आप भी चला दीजिएगा। तो ये लीजिए, तैयार है हमारे बहुत बहुत टेस्टी चटपटे से आलू पालक, जिनका जो टेस्ट है बिल्कुल अलग सा है। इसे आप रोटी से खाइए, पूरी पराठे से खाइए, चावल से खाइए, सब के साथ बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं।
सिंपल रेसिपी है लेकिन कुछ अलग टेस्ट से बनाई हुई रेसिपी है, तो खाने में बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आलू पालक ये वाले कैसे लगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये आलू पालक की रेसिपी, जिसे मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी यूनिक रेसिपी के साथ में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।